दोस्तों, तो आज हम बात करने हैं नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हम यहाँ पे सभी टॉपिक को देखने वाले हैं कि नाबार्ड से क्या संबंधित है और क्या किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम देखते हैं नाबार्ड इस पैराग्राफ में हमें इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं, मैं मेन मेन पॉइंट भी बताने का प्रयास करूंगा। नाबार्ड को क्रेफिकार्ड कमेटी के द्वारा समीक्षा द्वारा इसे पारित किया गया था। क्रेफिकार्ड कमेटी इसका सुझाव दिया था कि हमें नाबार्ड की स्थापना करनी चाहिए। क्रेफिकार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1979 में क्रेफिकार्ड की स्थापना की थी। और यह किसके अध्यक्षता में किया गया था? यह बी सी वर्मन की अध्यक्षता में क्रेफिकार्ड की स्थापना किया गया था। और इस प्रकार 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड पूर्ण रूप से अस्तित्व में आ गया था। हम अब आगे बात करते हैं कि नबार्ड के पास कितना शेयर कैपिटल है। तो नबार्ड के भारत सरकार और आरबीआई दोनों के योगदान से नबार्ड के पास स्टार्टिंग से ही 500 करोड़ की शेयर पूंजी थी, जिसमें भारत सरकार और आरबीआई के योगदान से यह 500 करोड़ का शेयर पूंजी प्राप्त हुआ था। और दूसरा है, अगला पॉइंट है, अपना नबार्ड का मेन कार्यालय या हेड ऑफिस मुंबई में है। इसको हेड ऑफिस मुंबई है, जिसमें 17 है अपना क्षेत्रीय कार्यालय यानी कि रीजनल ऑफिस, और जिसमें प्रमुख या रीजनल ऑफिस प्रमुख प्रमुख राज्यों में एकक होता जाता था, और अन्य राज्यों में 10 कार्यालय उप कार्यालय होते थे। और इस प्रकार 213 जिला कार्यालयों में काम करता है, मतलब 213 जिलों में आज तक के नबार्ड की कार्यालय स्थापित हैं, के ऑफिस हैं। अब देखते हैं बोर्ड मैनेजमेंट में क्या है, कैसे है, इतना पढ़ने का सकता नहीं। हमें केवल इतना याद रखना है कि इसमें 13 निर्देशक होते हैं, इनमें इसके जो सलाहकार परिषद या 13 निर्देशक होते हैं, जिनमें से दो ग्रामीण अर्थशास्त्र और ग्रामीण विकास के हैं, विशेषज्ञ हैं, एक स्पेशलिस्ट होते हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एंड रूरल डेवलपमेंट के विशेषज्ञ होते हैं, और जिनमें 3 सलाहकार प्रतिनिधियों के रूप में प्रतिनिधि करते हैं, मतलब सह प्रतिनिधि के रूप में प्रतिनिधि करते हैं, 3 कॉमर्शियल बैंक के प्रतिनिधि होते हैं, और 3 भारत सरकार द्वारा के अधिकारी होते हैं, और 2 राज्य सरकार के अधिकारी होते हैं। अब हम देखते हैं इसका सोर्स ऑफ फंड क्या है, किस से मिलकर स्रोत प्राप्त होते हैं, ये जो फंड होता है कहाँ से स्रोत प्राप्त होते हैं। इसे स्रोत भारत सरकार से ऋण और कोई भी भारत सरकार द्वारा पंजीकृत संस्था से इसे ऋण मतलब इनकम का सोर्स प्राप्त हो जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक भी एक सोर्स इसका एक प्रमुख सोर्स है। राज्य सरकार और स्थानीय प्रतिनिधि से ये जमा मतलब राज्य सरकार और जो स्थानीय पदाधिकारी होते हैं जो बैंक में पैसा जमा करते हैं, यह इसके इनकम का सोर्स होता है। और यह है उपहार अनुदान द्वारा इसे भी प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव एक शीर्ष पुनर्वित्त यानी कि एपोक्स फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के रूप में नबार्ड सर्वेक्षण और कृषि क्षेत्र में ग्रामीण विकास के लिए सभी प्रकार के आवश्यक ऋण, मतलब यह ग्रामीण क्षेत्र और कृषि विकास मतलब ग्रामीण विकास और कृषि के क्षेत्र में हमें किस प्रकार की ऋण का आवश्यकता होती है, इसका यह आकलन करता है। पुनर्वित्त यानी कि रीफाइनेंस के माध्यम से ग्रामीण के विकास गतिविधि को बढ़ावा देता है और एकीकृत करने की मतलब जिम्मेदारी लेता है। भारत सरकार के अनुमोदन के साथ नबार्ड किसी भी संस्था संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से ऋण प्रदान कर सकता है, अर्थात नबार्ड के द्वारा भारत सरकार अगर बोला जाता है कि भारत सरकार क्या कर सकता है कि अनुमोदन से नबार्ड किसी भी एक व्यक्ति संस्था या को यह अपना ऋण प्रदान कर सकता है। यह वित्तीय मामलों में भी मार्गदर्शन करता है और ग्रामीण विकास के लिए एक प्रभावी प्रेरक एजेंट के रूप में कार्य करता है। ग्रामीण को जो विकास होता है उसके लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। अब हम मेन देखते हैं नबार्ड का मेन फंक्शन क्या है। नबार्ड का जो फंक्शन है उसको 3 भागों में बांटा गया है, जैसे क्रेडिट एक्टिविटी और डेवलपमेंट एक्टिविटी एंड रेगुलेटरी क्रेडिट एक्टिविटी। अब हम बात